आपके जर्मन शेफर्ड पप्पी या डॉग को प्रो बनाने की जिम्मेदारी मेरी, बस मैं जो स्टेप बताऊंगा उसे फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी। आपने अगर फॉलो कर लिया आपका डॉग ब्रीड प्रो बन जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन जो बातें बोलूँ वो फॉलो करनी और वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। लास्ट के दो स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसे फॉलो नहीं करोगे तो फिर ये जो सारी मेहनत होगी वो वेस्ट चली जाएगी। तो वीडियो पूरी देखना, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। जो भी मेन चीज़ें हैं वही बताऊँगा जिससे ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं, और इस वर्क के लिए, इस रिसर्च के लिए एक लाइक बनता है तो वो ज़रूर से कर देना। अब आपको पप्पी को प्रो बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि ट्रेनिंग दे कैसे अपने डॉग ब्रीड को, कौन से स्टेजेस फॉलो करने चाहिए कि नंबर वन पे ये, नंबर टू पे। तो मैं वो सारे स्टेजेस बताने वाला हूँ। साथ साथ याद रहे कि ट्रेनिंग को मजाक में मत लीजिए या फिर लाइटली मत लीजिए। ट्रेनिंग आपके जर्मन शेफर्ड की जर्नी के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा, वो आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए नंबर वन स्टेप्स से स्टार्ट कर देते हैं, सारे स्टेप्स जो है मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। नंबर वन कॉमन चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पता होगी, नहीं पता हो सकता है काफ़ी लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक कमांड से आपके डॉग बिट को सबसे पहले जो है ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना है। नंबर वन ट्रेनिंग कौन सी होगी आपकी, जो यूनिवर्सल है और सभी लोगों को देनी चाहिए, वो है नेम ट्रेनिंग। आपके डॉग ब्रीड को पहले रिकॉग्नाइज़ कराइए कि उसका नेम जो है, जो भी रखना चाहते हो आप, मैक्स रखिए, डोगो रखिए, या फिर जैक रखिए, या कुछ भी रखिए, लेकिन उसे बताइए कि उसका नाम यही है। घर के सारे मेंबर अलग अलग नाम से मत पुकारिए, एक ही नाम से पुकारिए, एक अच्छा सा नाम लीजिए और सबको बोलिए इसी से पुकार, जिससे वो आइडेंटिफाई कर ले खुद को कि ये मेरा नाम है, ये बुलाने पे मुझे काम करना है या फिर मुझे बुला रहे, मुझे जाना पड़ेगा। स्टेप टू, नंबर वन स्टेप आपको पता चल गया, वेरी गुड। अब स्टेप टू की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप टू है बेसिक कमांड सिखाइए। अब बेसिक कमांड में काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर कितने सारे, कौन कौन से सिखाऊँ। सबसे पहले सिट, शेक हैंड, ऐसे बेसिक कमांड सिखाइए। ये दो तीन जो कमांड है वो काफ़ी ज़रूरी होंगे, जैसे कि सिट, शेक हैंड, स्पीक, ये सिखा लीजिए। इसमें इग्नोर क्या करना है या फिर अवॉइड क्या करना है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी जल्दबाजी में रहता है डॉग को ट्रेन करने के लिए और नहीं सिखा रहा होता है वो, तो वो क्या करते हैं, पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं तुरंत तुरंत, यानी कंटिन्यूसली, साथ साथ काफ़ी लोग जो है हाथ उठा देते हैं। ये बड़ी गलती मत कीजिए, ऐसी चीज़ें करनी है तो डॉग ब्रीड को अडॉप्ट मत कीजिए, क्योंकि वो एक बॉन्ड है, एक फैमिली मेंबर की तरह आता है, इन सब चीज़ों से वो सीखेगा नहीं, ऊपर से वो आपके साथ बॉन्ड ख़राब करेगा। बेसिक टिप टू हो गई। नंबर थ्री स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है सोशलाइजेशन। अब आप बोलोगे, काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि सर अभी तो दो ही तीन ट्रेनिंग दी और अब सोशलाइजेशन। देखिए, अब ये दो तीन ट्रेनिंग ऐसे तो नहीं होगी कि एक दिन में हो जाएगी, तो कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद आपके डॉग ब्रीड की एक ऐसी एज आएगी जहाँ पे उसको सोशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और सोशलाइजेशन जितना अर्ली करो उतना अच्छा होता है, आपने हर जगह सुना होगा। तो सोशलाइजेशन आपके डॉग ब्रीड की स्टार्ट कर दीजिए। अब सोशलाइजेशन करना कैसे, दूसरे पीपल से आपके दोस्त हो गए उनसे मिलाइए, उनके डॉग ब्रीड हो तो उनसे मिलाइए, दूसरे एनिमल से मिलाइए और अलग अलग एनवायरमेंट से मिलाइए। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप समझ लो डॉग बड़ा होगा, अचानक कहीं बाहर ले जाओगे तो वो वहाँ रुकेगा नहीं, बाग करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, उसको जो है एंजाइटी होगी कहीं अचानक नई प्लेस कहाँ पे आ गया मैं, वो रहेगा नहीं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि डॉग भी भाग जाते हैं, तो इसी वजह से होता है। तो जितना अच्छे से सोशलाइज करोगे वो उसको अडाप्ट कर लेगा, उसके लिए कुछ नया नहीं होगा, बोले मैं तो बहुत बार बाहर निकला हूँ, तो ये भी कहीं नई जगह होगी वैसी, तो वो वहाँ पर रह लेगा। तो सोशलाइजेशन सिर्फ इसमें ही नहीं, साथ साथ दूसरे लोग आते हैं तो वो तुरंत ऐसा नहीं करेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि घर के मेंबर में सिर्फ आपके साथ ज़्यादा अच्छे से रहता है, बाकी कोई भी उन पर भी बात कर रहा है, तो ये सोशलाइजेशन करना ज़रूरी है, ताकि घर के मेंबर के साथ ज़रूरत पड़ने पे लोगों के साथ सोशलाइज हो सके। नेक्स्ट स्टेप आता है पॉटी ट्रेनिंग। अब ये स्टेप काफ़ी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ है आपको भी पता होगा कि पॉटी ट्रेनिंग ज़रूरी है देना, क्योंकि घर में करेगा पॉटी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, घर वाले भी बोलेंगे अरे ये क्या कर रहा है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब आपका पप्पी होगा घर में आ जाएगा तो कहीं भी पॉटी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं कि पप्पी को बचपन से ऐसे सिखाना चालू कर सकते हैं कि खाना खिला दिया तो कोने में ले जाके पॉटी करा दी, तो वो क्या करेगा अगली बार जाके उस कोने में ही करेगा, या फिर कहीं ऐसी जगह पे, या फिर टॉयलेट में ले जाके करा दी तो वो टॉयलेट में ही जाके करेगा। ये ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए डॉग ब्रीड को।
अब मैं जो ट्रेनिंग के बता भी रहा हूँ उसमें आप वीडियोस भी देख रहे होंगे, मैंने बीच बीच में ऐड किए, वो जर्मन शेफर्ड जो ट्रेन हो जाने के बाद कैसे करते हैं, कैसे से सीट सेकेंड आराम से कर रहे, तो वीडियोस आप देख रहे होंगे कि डॉग बीट सीख जाता है, कोई हार्ड नहीं है, ईजी है। ये डॉग बीट काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसलिए आप आराम से सिखाइए, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग आती है लीश ट्रेनिंग। अब आपका डॉग बीट थोड़ा बड़ा हो गया, सोशलाइज करा रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, लेकिन बाहर ले जाते हो तो लीश पुलिंग कर देता है, आपको आगे खींच लेगा, साइड में खींच लेगा, यहाँ पे खींच लेगा, अच्छे से वॉक नहीं कर रहा है, कहीं पे भी ले जाएगा, लेकिन लीश ट्रेनिंग से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लीश ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देंगे। ये सब ट्रेनिंग में आपका डॉग बीट एकदम अच्छा हो जाए तब आप उसको एडवांस स्टेप की तरफ जा सकते हैं। एडवांस में कौन से आते हैं, जैसे नमस्ते हो गया, कुछ सर्च हो गया, फैच हो गया, और कोई ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग आती है जो आप अपने डॉग बीट को सिखा सकते हो एडवांस में ही, घर पे भी सिखा सकते हो। अगर आपको देखनी है 15 ट्रिक्स मैंने अपने डॉग बीट को 8 मिनट के अंदर बताई है, मैंने अपने लैब्राडोर को घर पे ही ट्रेन किया, अगर आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो कि आप घर पे भी अपने डॉग बीट को ट्रेन कर सकते हो, और उसमें कुछ टिप्स भी दिए कैसे ट्रेन करें, तो चाहे तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अब हो गई ये ट्रेनिंग, अब आता है क्रेट ट्रेनिंग और होम मैनर ट्रेनिंग। अब आपका डॉग बीट एक ऐसे स्टेज पे आ गया, एक बड़ा हो गया है, ये शेड्यूल में आगे आ गया है, तो आपके डॉग बीट को आपको जो है सेफ़ प्लेस पे रहना, जैसे कि एक आपने अगर केज ले लिया हो, या फिर उसका हाउस बनाया हो, या फिर बेड एक जगह रखा हो, याद रखे ऐसी जगह रखना जहाँ से वो गिरे ना, आराम से रह सके, सीढ़ियों के पास मत रखना, सेफ़ जगह हो, आराम से सो सके, घूम सके थोड़ा वहाँ पे आजू बाजू, ऐसी जगह रखना जहाँ पे सेफ़ प्लेस होगा। तो उसमें जैसे ही आप जो है उसको खाना खिला दो, कुछ हो जाए, पोटी करके आए, सोने का टाइम हो, तो आपको उसके क्रेट के पास ले जाना है और उसे वहीं सुलाना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके घर में ऐसा होगा कि छोटा सा है, समझ लो कि आपको कभी कभी मेहमान आ गया, कोई आ गए, तो आपको उसको क्रेट में रखना हो, तो आप उसमें जाके ट्रेनिंग दी है तो आप बोलोगे गो, तो अंदर जाके बैठेगा, सोएगा और रोएगा नहीं या बाख नहीं करेगा, वरना अगर आप नहीं देते हो तो वो कोई भी आएगा तो उसे बांध के रखोगे तो बाख करेगा, आवाज़ें निकालेगा अलग अलग, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं आपको हमेशा अंदर रखना है, आपको डॉग बीट को घर में खुला भी रख सकते हो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाने के बाद, थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद। नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हम, अब आप उसे दे सकते हो जो है ऑफ लीश ट्रेनिंग। काफ़ी डॉग्स ब्रीड आपने देखे होंगे जो बिना लीश के अपने ओनर के साथ ही चलते, कहीं और जाते नहीं, उन्होंने बोला स्टे तो रुक जाते, तो ऑफ लीश ट्रेनिंग आप जो है धीरे धीरे देना स्टार्ट कीजिए। याद रहे ऐसी जगह पे दीजिए जहाँ पे आसपास व्हीकल्स ना हो, उसे लगने का चांस ना हो, कहीं गिर ना जाए। आप चाहे तो गार्डन में ले जा सकते हो, डॉग गार्डन में ले जा सकते हो, वहाँ पर आराम से सिखा सकते हो। और ध्यान रहे आपका डॉग ब्रीड एग्रेसिव है तो उसको पहले से जो है एग्रेसिव नेचर धीरे धीरे कम करिए, उसके बाद ऐसी ऑफ लीश ट्रेनिंग दीजिए। ये हो गया, उसके बाद आप उसे जो है कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स आते हैं, एलिजिटी ट्रेनिंग हो गई, या फिर आप उसको जो है फ़न ट्रेनिंग भी दे सकते हो, जिससे कि उसका मूड लाइट रहे, अच्छा रहे, ऐसा नहीं कि हम किसी रोबोट को ट्रेन कर रहे हैं, हमारा फैमिली मेम्बर है, तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे सीख तो लेगा, लेकिन आगे उसके भी बेनिफिट है और आपका भी। अब आप उसे जो है पब्लिक बिहेवियर ट्रेनिंग दे दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि वो बाहर जाएगा या कहीं जाएगा तो वो ऐसे बिहेव नहीं करेगा कि आपको लगे अरे यार शिट क्या कर रहा है ये, आप उसको आराम से ट्रेन दोगे, ऐसा लगना चाहिए लोगों को हो क्या डॉग बीट है, सारी बात मानता है अपने ओनर की। ऐसा ज़रूरी नहीं कि डॉग बीट हमेशा ही बात माने ट्रेन करने के बाद भी, कभी कभी उसकी फेवरेट चीज़ आ जाए तो वो खुद को कंट्रोल नहीं करेगा, तो इन बातों पर गुस्सा ना होए, अपने बेबी की तरह उसे रखिए, जिससे वो मानेगा आपकी बात भी और अच्छे से रहेगा। तो आपका डॉग बीट पप्पी से प्रो बनने में ये आपको गारंटीड हेल्प करेगा। इफ़ आपको ये जो है प्रो टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, उनकी ट्रेनिंग चाहिए तो कमेंट कीजिए कि कैसे देना है, पूरी डिटेल वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू कंटेंट के लिए।